बच्चों, आज हम मतदान प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ये सभी निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग के नियमों के अधीन होते हैं। बच्चों, निर्वाचन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मतदाता सूची। हमारे देश का कोई भी चुनाव हो, चाहे संसद का, चाहे विधानसभा का या स्थानीय चुनाव हो, प्रत्येक क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचन नामावली होती है। और हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वह इस मतदाता सूची में पंजीकृत होने का अधिकार रखता है। किसी भी नागरिक को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर इस मतदाता सूची में पंजीकृत होने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है या अपराधी है, भ्रष्ट है या फिर अवैध आचरण करता है, तो ऐसे मतदाता को बाहर किया जा सकता है। बच्चों, अब हम जानते हैं पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में। निर्वाचन का प्रारंभ हमारे देश के राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल महोदय की अधिसूचना के द्वारा प्रारंभ होता है। चुनाव आयोग निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपकी परीक्षा की समय सारणी घोषित की जाती है। सर्वप्रथम उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल कराए जाते हैं और इसके लिए 8 दिन का समय दिया जाता है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाती है और यदि इस प्रकार के नामांकन पत्रों में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है तो निर्वाचन अधिकारी इन नामांकन पत्रों को अस्वीकार भी कर सकता है। इसके बाद 2 दिन का समय दिया जाता है नाम वापसी के लिए। नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करते हैं और साथ ही साथ जो गैर मान्यता प्राप्त दल होते हैं तथा जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया जाता है। मतदान की प्रक्रिया में नाम वापसी लेने के अंतिम तिथि के बाद से कम 14 दिन का समय दिया जाता है चुनाव प्रचार के लिए और इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग आचार संहिता को सुनिश्चित करता है। मतदान तिथि के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद कर दिए जाते हैं और चुनाव मतदान तिथि के दिन चुनाव कराए जाते हैं। मतदान के बाद मतदान पेटियों अथवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है और पूर्व घोषित समय सारणी के अनुसार मतगणना कराई जाती है। मतगणना में जिन उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं उन्हें विजयी घोषित कर दिया जाता है। बच्चों, चुनाव में ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए आजकल बैलेट पेपर के स्थान पर ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उम्मीदवारों के नाम तथा चुनाव चिन्ह होते हैं और कोई भी मतदाता अपने मनपसंद प्रत्याशी के सामने वाली बटन दबाकर उस प्रत्याशी को अपना मत दे सकता है। और हाँ, यदि मतदाता किसी भी प्रत्याशी को अपना मत नहीं देना चाहता है तो वह उसके लिए भी एक विकल्प है, नोटा बटन। नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव। यह बटन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सबसे नीचे दिया हुआ होता है और इस तरह से मतदाता इस बटन का उपयोग कर सकता है। बच्चों, इन सब में एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मतदाता ने जिस उम्मीदवार को भी अपना मत दिया है इसका पता किसी को भी नहीं चलता है, चाहे मत बैलेट पेपर के द्वारा दिया गया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा।
इसीलिए इसे गुप्त मतदान कहते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया बच्चों, हमारे देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र प्रणाली है, यानी कि हम अपने मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे नहीं करते, हम चुनाव के द्वारा, मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। और जो प्रतिनिधि, जिन दल के प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादा होती है, वो फिर अपने मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। ये सभी उम्मीदवार वैसे तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन बच्चों स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायत, नगर पालिका के लिए एक और नियम है, राइट टू रिकॉल। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ग्रामवासी किसी चयनित उम्मीदवार के काम से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे पूरे प्रतिनिधियों के 50% हस्ताक्षर अथवा ग्रामवासियों के 2/3 मत के द्वारा उस प्रत्याशी को अपने पद से हटा सकते हैं। तो बच्चों, आपने पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को समझ लिया है। अब आप क्या करेंगे, आप अपनी शाला में अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को दोहराते हुए अपनी शाला में एक बाल कैबिनेट का गठन करेंगे। बिल्कुल।